अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो मैं आपके साथ वीडियो लेकर आई हूँ, जो शेयर करने लगी हूँ, रिलेटेड है हेयर प्रॉब्लम से। और आप सामने इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, हेयर उन हेयर्स के लिए है जो डाइड हेयर्स होते हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा डाई किया जाता है, कैरेटिन ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। डिफरेंट ओकेजन्स पे आप देखें कि हम लोग जो है वो हेयर डाई कर रहे होते हैं, कभी स्ट्रेकिंग कर रहे होते हैं, तो इससे हमारे बालों का बहुत बुरा हाल होता है। और अगर आप वीकली या वीक में दो दफ़ा अपने हेयर पर नेचुरल इंग्रेडिएंट से जो आपको नज़र आ रहे हैं मास्क यूज़ कर लेंगे, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। इसमें आपको नीड होगी योगर्ट की। योगर्ट आपने 2 टेबल स्पून लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने अंडे की जो है वो जर्दी वाला पार्ट लिया है, एग योक ये आपने एक लेना है। ये मैं आपको 1 हेड वॉश के इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ये है ऑलिव ऑयल। आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, आप आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। देखिए ऑलिव ऑयल मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है ये एग योक चला गया है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सिर्फ देखें 3 इंग्रेडिएंट्स से, कोई इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको वीक में 3 दफ़ा जो है वो अपने हेयर पर लगाएं। लगाने के बाद अच्छी तरह से आपने जड़ों तक लगाना है। अगर आपको मज़ीद आपके हेयर अगर ज़्यादा लॉन्ग है तो आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ले सकते हैं। और कोशिश करें कि अपने हेयर्स पे लगाने के बाद और हेयर क्लीन हो। अमूमन ऐसी जो चीज़ें हैं वो अगर आपके हेयर में पहले से कोई ऑयलिंग हुई हुई है या आपके हेयर सही हालत में नहीं है, हेयर प्योरली क्लीन होने चाहिए, उस पर अगर आप चीज़ें लगाएंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। अब आप ये देखें कि ये मैंने मिक्स करके आपको दिखा रही। अब इसको आप हफ्ते में कुछ नहीं तो 3 दफ़ा आप भी इसको यूज़ करें। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर डैमेज हैं, 3 दफ़ा आप लगाएं और उसके बाद आप अपने बालों के ऊपर टॉवल से आप उसको टाइट कर दें और हाफ एन आवर के बाद आप वॉश कर लें। जी, अब आपने देखा है कि ये आप जब लगा के इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने बालों में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क देखेंगे। देखिए योगर्ट इसके अंदर है, इसके अंदर अंडे की जर्दी है, ऑलिव ऑयल है, और ये तीनों चीज़ें तो वैसे भी आपको पता है मेन इंग्रेडिएंट है किसी भी चीज़ का। अगर ऑयल्स भी बनते हैं तो उसके अंदर लाजमी यूज़ होता है। और एग योक की खासियत है कि वो आपके बालों के अंदर जाके जड़ों को मजबूत करती है। तो इससे 2-3 चीज़ें जो है वो सही होंगी। आपकी हेयर फॉलिंग भी सही होगी, इससे आपकी फ्रिजीनेस ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।